ये क्वेश्चन है, एक गार्डन रोलर इज 75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 105 सेंटीमीटर इन विड्थ, व्हाट एरिया डज इट कवर इन 14 रिवॉल्यूशन। सबसे पहले हम एक रोलर का डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका रोलर है, सपोज कीजिए ये रोलर है। अब जो है इसका डायमीटर दिया हुआ है, ए गार्डन रोलर इज 75 सेंटीमीटर इन डायमीटर। 75 सेंटीमीटर ये डायमीटर है, 75 सेंटीमीटर डायमीटर है। डी इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, तो आर इज इक्वल टू हो गया 75 बाय टू, क्या चीज, सेंटीमीटर। अब ये दिया हुआ है, उसके बाद जो दिया हुआ है विड्थ जो है, ये लेंथ जिसको कि हम लोग रोलर का हाई सिलेंडर का हाइट बोलते हैं, ये विड्थ है 105 सेंटीमीटर। ये विड्थ दिया हुआ है 105 सेंटीमीटर। अब आपको हाइट मालूम है, रेडियस मालूम है, तो सबसे बड़ी बात है सिलेंडर जब रोल करता है तो वो अपने कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर एक रिवॉल्यूशन में एरिया कवर करता है। तो आपको निकालना है कि 14 रिवॉल्यूशन ये रोल करता है 14 टाइम्स, तो कितना एरिया कवर करेगा। तो एरिया कवर्ड बाय रोलर इन वन रिवॉल्यूशन, तो वन रिवॉल्यूशन में जो एरिया कवर्ड होगा वो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। अब देखिए 2 पाई का वैल्यू इसमें कितना लेना है, पाई का वैल्यू इसमें लेना है आपका 22/7, 3.14। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई जो है वो लेना है 3.14। अब देखिए पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू आपने यहां पर ले लिया है 75/2, और एच जो है ये दिया हुआ है 105। ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, और ये कर्व सरफेस एरिया और वन रिवॉल्यूशन में इस रोलर के द्वारा कवर्ड एरिया होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको अगर हम ऐसा कर दें, डेसिमल को हटा के यहां पर 100 कर दें और इसके बाद इसको कैंसिल आउट करें, तो ये हो गया आपका कितना, 25/4 और 25/3, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और आपका ये 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 157, और ये 2 से हो जाएगा 2, और तो 2 से कैंसिल होने वाला नहीं है। अब इस सब को मल्टीप्लाई करके आपका आता है कितना, ये 315, 157 इंटू 315, ये हो गया कितना, हो गया 49455/2। तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 1 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 5 2 7 जा 5, 5 ये हो गया। और इसका आपको क्या करना है, एक रिवॉल्यूशन में ये हो गया,
एक रिवॉल्यूशन में इतना एरिया कवर करेगा। अब 14 रिवॉल्यूशन का देयरफॉर एरिया कवर्ड इन 14 रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू कितना 24727.5 × 40। इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 346185 ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको इसको मीटर में बदलना है तो आप 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, तो मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर को एक बार बदलेंगे बाय 100 करेंगे तो 346185 डिवाइडेड बाय हो जाएगा, एक सेंटीमीटर के लिए एक बार 100, फिर दूसरे सेंटीमीटर के लिए एक बार और 100, और एक पर 4 जीरो हो गया तो ये हो गया 34.61 या 62 भी लिख सकते हैं, ये हो गया मीटर स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।